वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लेकर हरदोई पहुंचे पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नकुल दुबे ने कहा कि देश को बर्बाद करने जो माहौल बनाया जा रहा है उसे समाप्त करने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जा रही हो और जो माहौल इस समय विगत 10 सालों से बना है उसको समाप्त करके हम लोग मानेंगे। भारत जोड़ो यात्रा लेकर हरदोई पहुंचे नकुल दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस यात्रा का मैसेज साफ है, जो हमारे देश में 10 साल से सारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपंग किया जा रहा है, हिंदुस्तान को ऐसा किया जा रहा है कि केवल 5 किलो राशन पर जिंदा रहना है और मौज मस्ती वालों के लाखों करोड़ के कर्ज माफ कर दिए जा रहे हैं और देश को बर्बाद किया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस जमीन पर है और इस माहौल को समाप्त किया जाएगा। बीजेपी सांसद के बयान पर उन्होंने कहा कि 1942 में महात्मा गांधी ने पद यात्रा की थी और यह समय भाजपा के नेताओं ने भी ऐसा ही काम किया था। उस समय कांग्रेस के तमाम नेता शहीद हुए थे और बीजेपी के लोग तब कहाँ थे और बीजेपी के ही उस समय कोई कुर्बानी नहीं दी थी और कहा नौजवान कहाँ है, रोजगार कहाँ है, महंगाई कहाँ है और देश का विकास कहाँ जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और सिर्फ कुत्ता बिल्ली पर झगड़ा चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश सुरवीरों का है और रहेगा और ये भी कहा कि कांग्रेस परवाह करती है तो सिर्फ देश के अस्तित्व की रक्षा कर देगी। कहा आज हमारी संस्थाएं बेची जा रही हैं और इसी के साथ ही झगड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम कलाकारों का सम्मान करते हैं और जिस तरह का माहौल देश में है उसको ख़त्म किया जाएगा। प्रयागराज विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने कहा कि वो जायज़ मांग कर रहे हैं। अडानी अंबानी के लाखों कर्ज माफ़ किए गए हैं तो जायज़ मांग करने वालों पर लाठी मत चलाओ। विपक्ष को कमज़ोर करने शिवपाल यादव ने अपने बयान पर नकुल दुबे के कहा कि विपक्ष ही नहीं लोकतंत्र की तमाम संस्थाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है और यूपी के मिनिस्टर ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से उत्तर प्रदेश में लाने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस इन मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। कहते हैं आप जो कहो वही हम कहीं गए, चाहे अजय राजी पश्चिम कह दो चाहे स्मृति रानी पश्चिम। अब अजय राजी ने क्या बयान दिया क्या नहीं तो मैंने सुना भी नहीं है, पहली बात आप बता रहे हो तो मैंने आपके मुंह सुन लिया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज आपको हमारे भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के बजाय आप उन सब बयानों पर जुड़ रहे हैं जिन बयानों को तात्पर्य पर आप नहीं। अच्छा एक सवाल और है सर, फिल्म पठान पर अयोध्या के एक नहीं हमें कोई जानकारी नहीं, ना इलाहाबाद में लाठीचार्ज किया गया, इलाहाबाद में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। हाँ देखिए ये सवाल है, ये सवाल देखिए भैया आया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज कराया गया, जो उनको ईंटे पत्थर से मारे गए, ये प्रश्न होना चाहिए। क्या उनका क्या मांग है? उनकी मांग यही है कि जो आपने 400 गुना फीस बढ़ा दी है इस फीस को कम कर दीजिए। अरे भाई जब तुम लाखों लाखों करोड़ तुम अडानी के माफ कर सकते हो, अंबानी के माफ कर सकते हो, तो यार 150 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए छोड़ दो भाई। अग्निवीर तो बना ही रहे हो, उनको बर्बाद तो कर ही रहे हो, नौजवानों के आप सम्मान को तो खा ही रहे हो। कम से कम उनको जब वो जायज मांग करते हैं तो उस मांग को दबाने के लिए लाठी तुम चलाओ। ये बड़ा देखिए ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और जेन्युइन क्वेश्चन हमारी कुछ मीडिया ने पूछना शुरू कर दिया है, हम इंतजार करेंगे। हरदोई से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर देश में नहीं हो रही है महंगाई पर चर्चा, इसको लेकर नुकल ने बयान दिया है। बता दें आपको कि हरदोई पहुंचे हैं पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता और नुकल दुबे ने इस पर तंज भी कस दिया है। तो हरदोई पहुंचे पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता ने बड़ा बयान दे दिया है। बता दें आपको कि देश में बेरोजगारी को लेकर, नौजवानों को रोजगार को लेकर लगातार बयान दे रहे और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कांग्रेस नेता का बयान सामने आया इसको लेकर अभी क्या विवाद चल रहा है? जी सुमन, आपको बता दूं ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लेकर हरदोई पहुंचे थे पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नकुल दुबे ने कहा है कि देश को बर्बाद करने का जो माहौल बनाया जा रहा है उसे समाप्त करने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जा रही है और जो माहौल इस समय विगत 10 वर्षों से बना है उसको समाप्त करके हम लोग मानेंगे। जी
जी आसिफ, ये भी जानकारी सामने आई है कि यहाँ पर भारी भीड़ भी देखने को मिली है। जी हाँ, हजारों की संख्या में लोग भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े हैं और अब जो है कांग्रेस अपना माहौल बनाने में जुटी हुई है। जी आसिफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको हरदोई से खबर बता रहे हैं जहाँ पर पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता नुकल दुबे ने तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर हमला करते हुए देश में नहीं हो रही महंगाई पर चर्चा, इसको लेकर उन्होंने अपना बयान दे दिया है। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्रावस्ती में राप्ती नदी में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है मृतका के शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और महिला का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस ने शिनाख्त के लिए शव मर्चरी हाउस में रखवा दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस टीम मलहीपुर थाना अंतर्गत गजोबरी बंधा का ये मामला बताया जा रहा है जहाँ पर महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें आपको, श्रावस्ती से खबर है, राप्ती नदी में महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। हाथरस में ओवर ब्रिज के पास केनरा बैंक के बाहर खड़ी स्कूटी में अचानक भीषण आग लग गई और स्कूटी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बैंक कर्मियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के ही ओवर ब्रिज में मौजूद केनरा बैंक के बाहर का है जहाँ बैंक के बाहर खड़ी स्कूटी में अचानक भीषण आग लग गई और स्कूटी आग में धू धू करके जलने लगी और आग लगने से मौके पर लोगों में मची अफरा तफरी भी देखी गई है। बमुश्किल बैंक कर्मियों ने आग पर काबू पाया है और जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इंश्योरेंस कंपनी में ही काम करने वाले कर्मचारी जगमोहन की स्कूटी में यह अचानक आग लग गई। काशगंज में पुलिस की मुठभेड़ 16 साल बाद अब फर्जी साबित हुई है। दरअसल सीबीआई कोर्ट में 9 पुलिसकर्मी दोषी करार हुए हैं और 9 में से एक पुलिसकर्मी की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को राजा राम की हत्या में दोषी माना है। आपको बता दें कि पेशे से कारपेंटर रहे राजा राम की सिरपुरा थाना क्षेत्र के सुनहरा गाँव के जंगल में पुलिसकर्मियों ने फर्जी मुठभेड़ कर दी थी और राजा राम की हत्या कर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने खुद ही दाह संस्कार कर दिया था और परिजनों को नहीं जानकारी दी गई थी इसके बारे में। और बता दें आपको कि राजा राम के ऊपर पुलिस ने लूट का मुकदमा लगाया था और तत्कालीन जनपद एटा और वर्तमान में काशगंज जनपद के थाना सिरपुरा के सुनहरा गांव के जंगल में राजा राम का एनकाउंटर किया गया था। तो आपको काशगंज से खबर बता रहे हैं जहाँ पर पुलिस की मुठभेड़ 16 साल के बाद अब फर्जी साबित हो गई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट में 9 पुलिसकर्मी दोषी हुए हैं जिनमें से एक पुलिसकर्मी की मौत की खबर भी सामने आई है। बता दें आपको कि तत्काल जनपद एटा और वर्तमान में काशगंज जनपद के ही थाना सिरपुरा के सुनहरा गांव के जंगल में राजा राम का एनकाउंटर किया गया था। तो आपको काशगंज से खबर बता रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस की मुठभेड़ 16 साल बाद अब फर्जी साबित हुई है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सीबीआई कोर्ट में 9 पुलिसकर्मी दोषी जो थे वो दोषी करार दिए गए थे, जिसमें से भी बताया जा रहा है कि राजा राम की हत्या पर पुलिस ने खुद ही दाह संस्कार कर दिया था और परिजनों को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई थी। राजा राम के ऊपर पुलिस ने लूट का मुकदमा लगाया था और तत्कालीन जनपद एटा और वर्तमान में काशगंज जनपद के ही थाना सिरपुरा सुनहरा गांव के जंगल की ये घटना बताई जा रही है जहां पर राजा राम का एनकाउंटर किया गया था। और वहीं पेशे से कारपेंटर रहे राजा राम की सिरपुरा थाना क्षेत्र में सुनहरा गांव के जंगल में ही पुलिसकर्मियों ने ये फर्जी मुठभेड़ की थी, जिसका अब खुलासा कर दिया गया है। और इसी खबर पर काशगंज से हमारे सहयोगी जुम्मन कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुम्मन, जिस तरह से जानकारी सामने आई है कि पुलिस की मुठभेड़ अब 16 साल के बाद फर्जी साबित हुई है, पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताइए।
जी आपको बता दें, ये पूरा मामला कासगंज जनपद के थाना सुलपुरा क्षेत्र का था, जो कि सन 2006 में थाना सुलपुरा जनपद एटा में आता था। वहां पर एक पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ करने के बाद एक जो है कारपेंटर की मुठभेड़ में हत्या दिखाई थी, जिसमें कि काफी समय तक कोर्ट में मुकदमा चला। वहीं सीबीआई कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया, जिनमें 9 पुलिसकर्मियों में से एक पुलिसकर्मी की बीमारी के चलते मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि पेशे से कारपेंटर राजराम की सुलपुरा थाना क्षेत्र के सुनहरा गांव के जंगल में पुलिसकर्मियों ने फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी थी। वहीं राजराम की हत्या कर पीएम के बाद पुलिस ने खुद भी दहशत अंधकार कर दिया था। परिजनों को भी इसकी नई जानकारी नहीं दी थी। और ये 2006 का मामला है। ये राजराम के ऊपर पुलिस ने लूट का मुकदमा लगाकर उसका मुठभेड़ में हत्या की थी, जो कि थाना सुलपुरा जब कासगंज जनपद में नहीं था, ये जो एटा जनपद में आता था। वहीं उसका परिवार एटा जनपद में जाकर रहने लगा राजाराम का। जी, इसमें एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो इसमें 9 पुलिसकर्मी थे, उनमें से एक पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है बीमारी के चलते। जी हाँ जी, मैं आपको बता दूं, 9 पुलिसकर्मी जो थे इस मामले में दोषी, इसमें एक की मौत भी हो चुकी है और बाकी जो 8 हैं वो पुलिस ने उनको दोषी करार किया है। जी, अब जो पुलिसकर्मी, अब 8 पुलिसकर्मी रह गए, उन पे क्या कार्रवाई हो सकती है जुम्मन? जी ये तो जानकारी लगी है कि कल कोर्ट ने उनको सीबीआई कोर्ट ने सजा भी सुना दी है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है और इसके अलावा जो और पुलिसकर्मी है उनको भी सजा हुई है। जी जुम्मन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो काशगंज से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर सीबीआई कोर्ट में 9 पुलिसकर्मी अब दोषी करार हो गए हैं। बता दें आपको कि 1 पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है और 8 पुलिसकर्मियों पर अब कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी में 20,000 का इनामिया बदमाश पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें आपको कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित था और वहीं लूट चोरी के 5 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। जनपद एटा के थाना जसरपुर निवासी है। आपको बता दें कि थाना बिछुआ क्षेत्र के हन्नूखेड़ा पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर 20,000 का इनामिया बदमाश अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुरी जनपद के थाना बिछवा अंतर्गत अरुण नाम का एक शातिर अपराधी, जिसके ऊपर 20,000 का इनाम घोषित था, यह एटा का रहने वाला था, जिसकी काफी दिनों से तलाश की जा रही थी। आज बिछवा पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तारी करने में महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है, जिसके लिए उनको 20,000 के इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। साथ ही इससे पूछताछ कर इसके अन्य अपराधों के बारे में जानकारी की जा रही है, जिससे कि तदनुसार उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके। और इसी खबर पर हमारे साथ मैनपुरी से हमारे सहयोगी अरुण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, गैंगस्टर एक्ट के तहत अब 20,000 इनामिया बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 20,000 का इनामिया बदमाश है, जो पुलिस ने ये चेकिंग अभियान चल रहा था उस दौरान इसको पुलिस ने, बिछवा पुलिस ने दबोचा है। वहीं गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था ये अपराधी, अरुण नाम का ये अपराधी है। लूट चोरी के 5 से अधिक है आपराधिक मामले इस पे दर्ज हैं और ये जनपद एटा के थाना जसरतपुर का निवासी है। थाना बिछवा के हन्नूखेड़ा पुल से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। जी जी अरुण, ये जो आरोपी है, इसमें बदमाश जो ये बताया जा रहा है, ये कब से सक्रिय चल रहा था और इसने कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका है अब तक? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, इसने लगभग लूट चोरी से लूट करना, चोरी करना, लगभग कई वारदातें इसने की है, बराबर बाइक चोरी वगैरह चोरी के 5 से अधिक इस पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं काफी दिनों से इसको पुलिस की तलाश थी, कई जिलों की पुलिस इसे तलाश कर रही थी, जिस दौरान बिछवा पुलिस ने इसको चेकिंग के दौरान हन्नूखेड़ा पुल से गिरफ्तार किया है। जी जी अरुण, अब गिरफ्तारी हो चुकी है और इस तरह ही जो पुलिस की तरफ से अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं, तो इसी तरह क्या पुलिस के द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं बदमाशों की गिरफ्तारी का, जो मामला है वो लगातार जारी है?
जी बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित हैं। लगातार जो वांछित अपराधी हैं जिन पे गैंगस्टर के कई मुकदमे दर्ज हैं, लगातार उन पे गिरफ्तारियां बराबर चल रही हैं। जो हत्या के मामले में कई लोग फरार चल रहे हैं, लगातार पुलिस दबिश दे रही है। जी जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो मेनपुरी से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर 20,000 का इनामिया बदमाश फिलहाल पुलिस ने धर दबोचा है और लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और ऐसे ही बदमाशों की गिरफ्तारी की जा रही है। बांदा में उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना जिला प्रशासन कर रहा है और उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को दिशा निर्देश दिया है और नगर पालिका अध्यक्ष को चार्ज लगाया है। आपको बता दें कि तमाम आरोपों के बाद शासन ने बर्खास्त किया था और उच्च न्यायालय ने नगर पालिका अध्यक्ष को बहाल किया। कोतवाली नगर मुख्यालय के नगर पालिका का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक उन आदेशों पर कोई अवहेलना कर रहा है जिला प्रशासन। यूपी के फतेहपुर में अन्ना मवेशियों की वजह से खेत में लगी किसानों की फसल बर्बाद होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि प्रदेश सरकार अन्ना मवेशियों को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान अन्ना मवेशी के कारण हो रही फसल से परेशान है और गौशाला की स्थिति काफी खराब हो चुकी है और रोजाना मवेशियों की मौत हो रही है और अधिकारी चुप्पी साधे हुए है। जिला मुख्यालय में मौजूद नहर कॉलोनी में ही भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के बाद अन्ना मवेशियों से हो रही किसानों की फसलें बर्बाद को लेकर पूरे प्रदेश में गौशाला खुलवाने का काम किया, लेकिन अन्ना मवेशियों के लिए पुख्ता इंतजाम न होने से आज भी खेत में लगी किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि जहां पर गौशाला खुले हैं वहां पर मवेशियों की रोजाना मौत हो रही है, जिसका वीडियो बनाकर ग्रामीण किसानों ने अधिकारियों को दिया, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और अगर दोनों ही व्यवहार को अधिकारियों ने सुधार नहीं किया तो अधिकारियों का घेराव करने का काम होगा। पूरे जनपद में जानवरों का सबसे बड़ा मुद्दा है। जानवर से किसान इतना परेशान है, इतना पीड़ित है कि वो मौत से भी ज़्यादा जानवरों से भयभीत है। उसकी फसलें इस तरह की भयंकर कोहरा और सर्दी में खेत में किसान रात दिन बैठा है और तनिक भी चूक होती तो उसकी फसल चट हो जाती है। अभी मैंने 18 तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी से भी इस विषय में चर्चा किया था, उन्होंने भी ठोस निर्णय नहीं दिया, जरूर कहा कि हर ब्लॉक में हम गौशालाएं बना रहे हैं। आप गौशाला बना रहे हैं, प्रधान सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दे रहे हैं और वो उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे। अभी एक कुंडार का मामला आया है, वहाँ 20 गाय तो अभी भी मरी पड़ी हैं और 40-50 गाय पहले मर चुकी हैं। उसमें हमारे जिला उपाध्यक्ष जी ने वीडियो बनाई तो आज सारा अधिकारी उसमें परेशान है। सीडीओ ये बोलते हैं कि गांवदारी के मामले में आप नेतागिरी कर रहे हो, तो सीडीओ को भी मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिना तथ्यपरक के बात मत करें। नए लड़के हैं, आईएएस हैं, सम्मान है, अगर तथ्यपरक के अलावा कोई बात करेंगे और गलत टिप्पणी करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से हमारे सहयोगी बबलू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू सिंह, किसान लगातार परेशान है और अपनी मांगों को लेकर अब प्रदर्शन करने पर मजबूर है, क्या है पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी मैं बता दूं, फतेहपुर जिले के ये सोतर थाना क्षेत्र का पूरा ये मामला था, जहाँ पे सोशल मीडिया बना करके जैसे की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया है कि अन्ना मवेशी जानवर जो है खेतों की फसलें बर्बाद कर देते हैं और फसलें बर्बाद होने से परेशान है और आप इन अपने फसल को देख रेख के वाले जनता वहां और अन्ना मवेशी नष्ट हो जाते हैं, अपनी फसल के लिए परेशान रहता और इसी वजह से जहां पे किसान का आक्रोश है।
करती हैं और वहाँ पे इनको सुरक्षित नहीं किया जाता, इस वजह से किसान परेशान है। और कुछ जो गौशालाएं का हाल तो बदहाल है वहाँ पे, जैसे कि किसान बताते हैं गौशालाओं का ये हाल रहता है कि वहाँ पे जितने भी जानवर हैं उनको ना तो समय से राशन ना पानी व्यवस्थाएं दी जाती है, भूखों तड़पते जानवर दम तोड़ देते हैं। इसी मामले में जब उच्च अधिकारियों से बात की जाती है तो वो बताते हैं कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, जांच के आधार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही मामले जिले के कई ऐसे सामने आए हैं। जी बबलू सिंह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको फतेहपुर से खबर बता रहे थे जहां पर फसल बर्बाद होने से लगातार किसान परेशान है। अन्ना मवेशियों को लेकर लगातार प्रदेश सरकार गंभीर नहीं है, ऐसा भी किसानों का कहना है। गाजीपुर के नव और कुश नाम के दो जुड़वा भाई पिछले 10 साल से मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम के ही एलाइजा बीमारी से जूझ रहे हैं और इस बीमारी को लेकर लवकुश गाजीपुर के ही राइफल क्लब में बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और इसके साथ ही सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह सदर से सपा विधायक जय किशन साहू और जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर अपने साथ ही जिले में इस बीमारी से पीड़ित 35 लोगों के लिए इलाज कराने की गुहार लगाई है और साथ ही लवकुश ने इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए सांसद और विधानसभा में आवाज उठाने की बात कही है। वहीं लवकुश के मिलने के बाद सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि ये दोनों बच्चे हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं, इनसे मिल चुका हूं और इन बच्चों के लिए जो भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे। विधानसभा में मुद्दा उठाना बड़ी बात नहीं और इस बीमारी के लिए आंदोलन की जरूरत है। और वहीं सपा विधायक जय किशन साहू ने कहा कि इन बच्चों का हर संभव मदद होगी और इस बीमारी को विधानसभा में भी उठाऊंगा। और वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने कहा कि इस बीमारी के लिए आगे की बात करूंगी और फिलहाल इस बीमारी के बारे में जिला अस्पताल के डॉक्टर स्वतंत्र सिंह ने कहा है कि ये बीमारी एक लाइलाज बीमारी है और ये 10,000 में किसी एक को होती है। देखिए सर, जब हमको निखारने का जब हमारा समय आया, जब हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके और अभी 5-6 महीने ये नौकरी में गए थे, प्राइवेट नौकरी में गए थे, तब से हमको ये समस्या पता चल गई। हमको दिसंबर 2012 में इस भयानक बीमारी के बारे में पता चल गया था, तब से हम इस बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं और कई राजनेताओं के पास, कई जनप्रतिनिधियों के पास हम गए हैं। नहीं, उसने उन्होंने विधानसभा में उठाने की बात कहा, मैं विधानसभा में उठाने का प्रयास करूँगा, इसलिए कई प्रश्न मेरे लगे हुए थे। और यह एक दिन आदरणीय मुलायम सिंह जी का श्रद्धांजलि दी गई विधानसभा में और दूसरे दिन कुछ प्रश्नों पर बजट वगैरह पेश हुआ। आज शाम को हम लोग इतना आश्वान्वित थे कि अगले दिन बजट के बाद हम लोग कुछ प्रश्न का जवाब सरकार देगी। दस से भी कहा, डीएम से भी कहा और उनकी एक इच्छा है कि हम उठा रहे हाउस में, हाउस उठाना कोई बड़ी कठिन काम थोड़ी हमारे लिए, लेकिन ये उठाने से नहीं होगा। इसको भारत सरकार ने इस पर एक भयानक आंदोलन की तरह काम करना होगा। ये सब सुंदर सुंदर बच्चे हैं, मैं देखा हूँ, दोनों बच्चे अच्छे हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन इनके दर्द कोई समझे तब हम पूछे भी, हमारा पुराना क्षेत्र रहा, हम पूछे बेटा क्या दिक्कत है, क्या है, तो हम क्या मदद कर सकते हैं। डिस्ट्रॉफी एक तरीके की ऑटोनॉमस नर्वस डिजीज होती है जो कि यूजली ये बच्चों में होती है, 10 से 15 हज़ार बच्चों में से किसी एक को होती है और ये ज्यादातर उनमें होता है जिनके मसल डिस्ट्रो आने लगते हैं। डिस्ट्रो मतलब कि टूट छाय होना, नुकसान होना। आपने अमिताभ बच्चन का भी नाम सुना होगा जिनको मायस्थेनिया ग्रेविस है, उसमें भी एक तरीके की मसल डिस्ट्रॉफी ही होती है। तो ये कॉमन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये समय की थोड़ी सी समस्या है। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक ही परिवार के महिला सहित 4 लोग घायल हो गए और 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 3 की हालत नाजुक देख चिकित्सक ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने पर पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सोजना अहरान का है, जहाँ गाँव निवासी किशन बाबू के घर में मकान निर्माण का कार्य चल रहा है। और बताते चले कि मंगलवार
परिवार को किशन बाबू पानवीर बनवारी और सुनीता घर पर बैठे बात कर रहे थे और अचानक निर्माणधीन मकान की दीवार उनके ऊपर गिर पड़ी और जिसके बाद चारों लोग उसमें दब गए। निर्माणधीन मकान की दीवार के मलबे में चार लोगों के दबे होने की सूचना से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आनन फानन में लोगों ने किसी तरह से दीवार के नीचे दबे सभी लोगों को बाहर निकाला। इस बीच 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए गुन्नौर के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां तीन की हालत नाजुक देखकर उन्हें हायर सेंटर भी रेफर कर दिया गया है। अभी तीन लोग सैदना एहरान गांव से आए थे, वहां प्रकरण ये हुआ जैसा बताया मैंने पूछने पर कि निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य के दौरान दीवार जब गिर गई तो वो लोग कुछ लोग उसे दब गए थे। तीन लोग मेरे पास आए हैं जिनकी हालत मैंने पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद थोड़ी ज़्यादा गंभीर थी, इस नाते JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। संभल पुलिस ने कछुओं की तस्करी करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और इनकी निशानदेही से दुर्लभ प्रजाति के 44 कछुओं को बरामद किया गया है और पुलिस के अनुसार दोनों गिरफ्तार तस्कर आसपास के इलाकों के तालाबों से कछुए चोरी कर दिल्ली और हरियाणा राज्य में तस्करी करते थे। दुर्लभ जाति के कछुओं की बरामदगी का पूरा मामला बहजोई कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम की मदद से दुर्लभ जाति के कछुओं को बरामद किया है और वहीं पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। बहजोई पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर यादव कॉलोनी रेलवे सिग्नल बहजोई के पास से दो कछुओं तस्कर विपिन और शिवा को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपियों से दुर्लभ जाति के 44 कछुओं को बरामद किया गया है और पुलिस के अनुसार गिरफ्तार दोनों तस्कर आसपास के तालाबों में से कछुओं को चोरी करते थे और बाद में इन्हें दिल्ली और हरियाणा राज्य में ले जाकर इनकी तस्करी करते थे। काफी समय से इनके बारे में जानकारी मिल रही थी मगर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।